तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। इस पेशेंट के साथ आप जी बात सुने, आप इस तरह घर नहीं जा सकते, ये पुलिस केस है और आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये तो मुझे सड़क के किनारे गिरी हुई मिली थी और मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत इसकी मदद की बस। लेकिन जो भी है, इस इमरजेंसी में से हॉस्पिटल आप ही लेकर आए हो और इस केस में पुलिस भी आपको शामिल तफ्तीश कर सकती है। उस लड़की को अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। सोए नहीं अभी तक? न जाने नींद क्यों नहीं आ रही। ओहो, लेट जाए नींद आ जाएगी, कोई स्लीपिंग पिल खा लेना, सो जाए। एक तो बंदा नेकी करके फंस जाता है, वाकई नेकी का जमाना नहीं है। देखें, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, हम भी बहुत मजबूर हैं। ये तो आपने अपने फादर का रेफरेंस दे दिया, इसलिए जाने दे रही हूँ, वरना। वरना क्या, एक तो बंदा नेकी करे, ऊपर से आप मुझे उसका ये सलाह दे रही हैं। आप गुस्सा ना करें, आप रिसेप्शन पे अपने आईडी कार्ड की कॉपी जमा करा दें और फोन नंबर नोट करवा दें। शुक्र है बेटा, तुम्हें होश तो आ गया। कैसी हो तुम? अब कैसी तबीयत है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, मैं डॉक्टर साहब को बताती हूँ। नर्स साहब आप? जी डॉक्टर साहब। वार्ड की सिचुएशन क्या है? डॉक्टर साहब, रेस्क्यू वाले रात को जिस लड़की को लेकर आए थे उसे होश आ गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बोली वो? नहीं डॉक्टर साहब, गुमसुम पड़ी हुई है। जो कुछ उसके साथ हुआ है उसका गुमसुम होना तो बनता है।
एनीवे मुझे ये बताएं उसका बीपी और हार्ट रेट कैसा है। मैंने चेक किया है, सब नॉर्मल है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप ऐसे करें, मेरे साथ आईसीयू में। जी बिल्कुल। आज तो खुशी करेंगे, प्लीज। जस्ट ट्राई दिस, इट्स अमेजिंग। उनसे बात की थी ना वहाँ पे, कल वाले जो पेशेंट हैं उनका ओ ग्रुप पॉजिटिव आया था, तो आपने पता किया? डॉक्टर साहब वार्ड में एक पेशेंट ने नब्ज काट लिए। ओह माय गॉड, जल्दी करें, नर्स से इंजेक्शन लेकर इन्हें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज बच्चे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। How careless you are! ये चीजें इस तरह से पेशेंट के पास छोड़ी जाती हैं। आप लोग के सर कब सस्पेंड भी हो सकते हैं। सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। शुक्र करें इसने नब्ज नहीं काट लिया अपनी। आइंदा ऐसा ना हो, जल्दी सजाए, बैंडेज लेकर आए। जी अच्छा मैं करती हूँ अभी, बैंडेज लेके आओ जल्दी से, जाओ। हेलो। हाँ जी, हारिफ समझानी साहब बात कर रहे हैं। जी आप कौन? मैं आपके इलाके का एसएचओ जमशेद बात कर रहा हूँ। वो जरा कुछ आपसे मालूमात कर रही थी, कल जो आपने लड़की हॉस्पिटल में दाखिल करवाई है उसी के बारे में मालूम कर। ओहो भाई क्या मुसीबत है, सुबह सुबह जरूर कॉल करनी थी। ओ जी दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैंने कौन सुबह सुबह कॉल कर दी आपको? भाई मैं अभी 4-5 बजे ही सोया, मेहरबानी करें और मुझे सोने दें। हेलो हेलो, फोन बंद कर दिया। इन अमीरों के भी बड़े नखरे होते हैं, कहता है सुबह सुबह फोन कर लिया। चलो इसके घर चलते हैं, चाय पानी पी लेंगे, लेकिन इससे पहले इसके घर का एड्रेस तो निकलवाते हैं, वो मालूम करते हैं। आ जाफर। मुझे अपना नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे अपनी बहन समझकर अपना नाम बताओ प्लीज। अच्छा तो मैं खुद ही आपका कोई नाम रख लूं? क्या नाम है तुम्हारा? ईमान। ईमान, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका तो। मैं जानती हूँ ईमान, इस वक्त तुम कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हो, मगर देखो अल्लाह ताला के साथ कितनी मेहरबान है, तुम्हें फिर से एक नई जिंदगी दी है और तुम सांसें ले रही हो। तुम जानती हो ईमान, जिस जिंदगी को तुमने ख़त्म करने की कोशिश की, इस जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारे गिर्द कितने लोग आखिरी हद तक लड़ रहे हैं। यहाँ पर कितने मरीज हैं जिनकी शायद आखिरी सांसें चल रही हैं, मगर उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी इतनी कीमती चीज है, इसे खत्म करते वक्त तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें खुदकुशी करते वक्त सामने दीवार पे लगी आयत भी नहीं नजर आई? ये अल्लाह का वादा है इंसान से, बेशक
हर मुश्किल के साथ आसानी है। तुम मुझे पढ़ी लिखी और अच्छे घराने की लगती हो। आई एम श्योर अब तुम अपनी जिंदगी का आगाज बहुत अच्छे तरीके से करोगे। ऐसा करोगे ना? वादा? शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। नर्स, आपने इनका बहुत ख्याल रखना है। कोई मसला, कोई इमरजेंसी हो, आपने मुझे फौरन कॉल करनी है। जी डॉक्टर। सिस्टर, ये लड़की इस टाइम शदीद सेंसिटिविटी का शिकार है। इसके साथ जो वाकया हुआ है उसकी नोयत ही ऐसी है। इसको टाइम लगेगा ठीक होने में। जी डॉक्टर साहबा, लगता है इसका कोई भी नहीं है, ना ही ये कुछ बताने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहबा, हॉस्पिटल वाले इसको ऐसे तो यहाँ रखेंगे नहीं, इसके एडमिशन के पैसे। सिस्टर, इसके तमाम अखराजात मैं देखूंगी, आप मैनेजमेंट को बता दें और मैं शाम को चक्कर लगाऊंगी। आपको कोई मसला आपने मुझे फोन करना, ठीक है? जी बेहतर। ओके। शाजिया, डॉक्टर साहब आ रही है। शाजिया क्या हो गया? शाजिया डॉक्टर देखिए, डॉक्टर क्या हो गया? डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? यहाँ के क्यों नहीं खोल रही है डॉक्टर साहब अपनी? शाजिया डॉक्टर क्या हुआ? भाई नौशीन, आज तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे हस्बैंड इस वक्त हमारे साथ हैं। सही कह रही है मामा, ऐसा मौका तो कभी कभार आता है। अरे भाई देखिए, जो मेहनत मैं और मेरा बेटा कर रहे हैं, तो ये मेहनत भला हम किसके लिए करें? बस अब आप काम का बहाना मत बनाएं, फैमिली के लिए टाइम निकाला करें इसी तरह। हाँ भाई जरूर, और वैसे भी अब तो सारा काम जुनैद समझ गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बोझ कम हो जाए। He is managing everything very well. Thank you बाबा। ये सारा काम आप ही का सिखाया हुआ है। मैं तो बस instructions को follow करता।
और तरबियत किसकी है? हाँ जी, अब ये क्रेडिट भी आप ले जाए। वैसे आज मुझे एक हैरत हो रही है, हारिब हमारे साथ चाय पे? आपको तो पता है यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वक्त गुजारो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपको अपने दोस्तों से फुर्सत मिली और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। कोई नहीं, अब इसके खेलने कूदने के दिन। आरिफ का MBA हो जाए, इसको भी ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जैसे जुनैद को दिए। वैसे बिजनेस के हवाले से काफी टैलेंट है इसमें। और बाबा मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा प्रोग्रेस करेगा इंशाल्लाह। वैसे पढ़ाई ठीक जा रही है या सिर्फ फुटबॉल मैचेस ही चल रहा है? नहीं बाबा, दोनों चीजें साथ चल रही हैं। डोंट वरी। भाई केक देना जरा। रहने दो बेटा, बस भी करें, आप हार्ट पेशेंट हैं, कुछ तो अपनी डाइट का ख्याल करें। भाई जब चाय इतनी मजेदार बनी तो असूलों के खिलाफ वर्जी हो ही जाती। लाओ केक दो। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज ले आप। हामिद बोलो, कुछ पता चला ईमान का? ठीक है, देखता हूं। साहब जी। क्या बात है खुदाबश? बाहर पुलिस वाले आए हैं, हारिस मियां का मालूम कर रहे हैं। क्या बाबा? वो दरअसल कल रात को घर आते हुए मुझे रास्ते में एक लड़की बेहोश मिली थी, मैंने रेस्क्यू कॉल किया, उसको अस्पताल पहुंचाया। बस शायद उसी बारे में पूछने आया, मैं जाके देखता हूं। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। दूसरों की मदद करने का बहुत शौक है, खुद मुसीबत में फंसता है हमेशा। आप जाए ना देखें उसे प्लीज। जुनैद आप भी जाओ बेटा। अल्लाह खैर करे।